घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एमटी पेरक व एरिया कोऑर्डिनेटर मितानिनों का सम्मान महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा वार्ड 42 बापूनगर में किया गया। महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली एमटी प्रेरक व मितानिने जो सरकार द्वारा बनाए गए योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने, गर्भवती महिला व छोटे बच्चों के टीकाकरण जैसी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर तन मन से काम करती हैं। वे महिला होने के बाद भी स्वयं अपने घर का काम पूरा कर सामाजिक स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। इनके इन्हीं जज्बे को देखते हुए महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा 6 एमटी प्रेरक व 24 मितानिनों का सम्मान गुलाब के पौधे व सम्मान पत्र देकर किया गया। मेरी साथ में अर्चना थी, मेरा भी एक तो दीदी के साथ। ठीक है, इसके बाद मैं आयुष्मती मीरा मीना नारनवरे जी को बुलाना चाहूँ। वहीं महिला सशक्तिकरण के प्रदेश अध्यक्ष प्रज्ञा बौद्ध ने बताया कि ऐसी मितानिने बहनें जो निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, उनको महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हर एक महिला जो सशक्त महिला है उनका सम्मान कर प्रेरणा देना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर पार्क में उपस्थित हुए हैं। एक छोटा सा सम्मान समारोह है यहाँ पर। जोन टू में जो भी मितानिन लोग जो काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और घर घर तक जाकर उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी उसका निराकरण करते हैं, हॉस्पिटलों में लेकर जाते हैं। जैसे गर्भवती महिला है, छोटे छोटे बच्चों का जो टीकाकरण है उसको लेके जो तन मन से जो काम करती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम महिला सशक्तिकरण संस्था जो हम चलाते हैं उसके अंतर्गत हर एक महिला को जो सशक्त महिला है उसका सम्मान करते हैं और उसको प्रेरणा देते हैं कि आप लोग, हम आपके साथ हैं, आप लोग आगे ऐसे ही काम करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। इससे उनको क्या है कि किसी अगर संस्था उनके साथ में है, पीछे खड़ी है, तो उनको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है और वो आगे जाके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं अपने काम में और ज़्यादा मतलब दिलचस्पी दिखाते हैं और तन मन धन से काम करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण एक इंटरनेशनल संस्था है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी ये महिलाएं काम करती है और उससे जुड़े हम लोग हैं और हमारे जो संस्थापक है भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो महिलाएं जो आगे आना चाहती है उनको हम प्रेरित करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और आज जो महिला सशक्तिकरण जो इंटरनेशनल के बहुत बड़े रूप में वो काम हो रहा है, तो हम भी अपने वार्ड 42 में और जो जितनी मितानिन हैं, हमारी जो एमटी मैडम है निर्मला खलको जी, हम लोग 24 मितानिन हैं और जो घर घर में हर समुदाय में घर घर जाके सेवाएं देती है स्वास्थ्य संबंधित में और जो जागरूक जगाने का काम करती है, ठीक है। और आज जो महिला सशक्तिकरण का के माध्यम से सब मितानिन बहनों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को एकदम मजबूत करना है, कैसे मजबूत करना है उनके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म आ चुका है, तो उस तरह से महिलाओं को हम लोग मितानिन बहनों को जोड़ना चाहती है और ये संदेश हर हर महिला को देना चाहिए। हम लोग आज पेरेरक एमटी पेरेरक और एरिया कोऑर्डिनेटर को लेके हम लोग 30 लोगों का आज सम्मान किया गया है। महिला सशक्तिकरण इंटरनेशनल संस्था है, ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करती है। इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि समाज में अन्य किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को, जो कि निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा कर रही है, ऐसी महिलाओं को सम्मान देना और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और साथ ही उन्हें समय समय पर प्रेरित भी करते रहना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।